नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त के दावे की हकीकत देखिए। यहाँ नौकरशाह अब तक तो सिर्फ कफन का ही सौदा करते थे, लेकिन अब जिंदों की भी कब्र खोदने लगे हैं। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के अहरौला ब्लॉक के मुल्लापुर गांव का वृद्ध राम मुहूर्त प्रजापति है, जिसे जिंदा रहते ही कागज में मुर्दा कर दिया गया है। गरीब खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। उक्त पीड़ित ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप कर न्याय की मांग की है। वैसे डीएम ने भरोसा दिया है कि वह जल्दी जिंदा हो जाएगा, लेकिन देखना है कब। कारण है कि वर्षों पहले मुर्दा किए गए लोग आज भी खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन साबित नहीं कर सके हैं। अहरौला थाना क्षेत्र के मोल्लापुर गांव के राम मुहूर्त प्रजापति के मुताबिक उसकी बड़ी बहू से उसका विवाद चल रहा है। इसी बीच 5 साल पहले उसे किसी ने सेक्रेटरी के साथ साजिश कर परिवार रजिस्टर में मृत घोषित कर दिया। उसे इसकी जानकारी हाल ही में हुई, जब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश हुई। इसके बाद से ही वह खुद को जिंदा साबित करने के लिए सेक्रेटरी से लेकर वीडियो तक से गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर खुद को जिंदा करने तथा फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस मामले में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में है और सत्य है, जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। डीएम साहब के यहाँ आए थे, यही हम अपना न्याय लेना चाहते हैं। किस तरह का न्याय? ये जो हमारा कुटुंब पलवार से नकल का नाम काट करके मृत घोषित कर दिया गया। अच्छा, ये बताइए कौन आपको मृतक कर दिया है? अब साहब ये तो हमारा पलवार कराया कि सेक्रेटरी कर दिए। विवाद पर पटेदारों में नहीं है, एक बहू से हमारा मुकदमा चल रहा है। अब वो कराई है, कौन किया कराया है? ये साहब 5वां साल चल रहा है। नहीं था क्या पूरा प्रश्न सर? मेरे समक्ष वो आया था, तो किसी विवाद की बात तो नहीं किया था, बट ये कह रहे थे वो कि हम जीवित हैं, लेकिन सेक्रेटरी ने परिवार रजिस्टर में मृतक निकाल दिया। वीडियो को मैंने तत्काल फोन किया और उसी दिन भेजा मैंने गांव में, और उन्होंने पाया कि बात उस व्यक्ति की सही थी, वो मृतक नहीं था, लेकिन परिवार रजिस्टर पर काट करके मृतक लिखा हुआ था। उन्होंने उसको दुरुस्त करा दिया है परिवार रजिस्टर को, और चूंकि ये प्रकरण 4 साल पुराना है और किसी सेक्रेटरी के उस पर हस्ताक्षर नहीं है, तो मैंने उनसे कहा कि इसकी डिटेल जांच कर लें। जिसके भी हस्ताक्षर ना भी हो, लेकिन अगर उसकी लेखनी मिल रही हो, तो जो भी सेक्रेटरी 4 सालों में रहा है उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अवश्य की जाए। वहीं मृतक संघ के अध्यक्ष लाल बहारी मृतक का कहना है कि जिंदों को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा कर उनकी संपत्ति को हड़पने का खेल कोई नया नहीं है। इस तरह के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए न तो आज तक कोई कानून बना और न ही ठोस कार्रवाई की गई। अन्य लोगों की तरह राम मुहूर्त की लड़ाई भी वे लड़ेंगे और उसे जिंदा कराएंगे। ये कोई नया मैटर थोड़ा है, ये तो पुराना मैटर। मैं तो लगभग 40-45 वर्ष से देख रहा हूँ कि जिंदा आदमी को मुर्दा कर दिया जाता है और मुर्दा को भी जिंदा कर दिया जाता है, तो ये तो सरकार का पुराना खेल है। लेकिन मुझे तो बहुत इस विषय पर बहुत कष्ट हो रहा है कि हम लोग इतनी लड़ाई लड़कर कई हजार लोगों को जिंदा कराए, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार से लेकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक सब आदेश हुआ, जाँच हुई, कई हजारों से ज़्यादा जिंदा हो गए हैं, अभी अधिक संख्या में न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है, लेकिन फिर भी ये जीवित मृतक प्रकरण आज भी चल रहा है और जिंदा को मुर्दा किया जा रहा है। अभी तो हाल ही में पता चला था कि लालगढ़ तहसील में एक जीवित आदमी को मुर्दा किया गया है, जो कि 2018 में ये सबसे बढ़िया लोग सरकार कहते हैं चल रही है योगी जी और माननीय मोदी जी की, लेकिन इसमें भी मैं ट्राई किया था, एप्लीकेशन दिया था मिलने के लिए कि भाई ये जीवित मृतक प्रकरण पर कोई कानूनी कार्रवाई बने, फास्ट कोर्ट बने, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और लगातार जीवित आदमी को मृत घोषित किया जा रहा है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।